हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है कि अपने नेगेटिव एहसास को पॉजिटिव एहसास में कैसे चेंज करें, मतलब नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में कैसे चेंज करें। तो आज का वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आपको इस वीडियो में जानने को मौका मिलेगा कि जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो उसको जो है कि पॉजिटिव फीलिंग में कैसे बदले, मतलब नेगेटिव फीलिंग आप जो हैं आपके अंदर जो विचार आते हैं नेगेटिव विचार, वो जो वो नेगेटिव फीलिंग आता है जो आपको डर लगता है, वो क्या एक नेगेटिव एहसास ही है, नेगेटिव फीलिंग है जो आपको क्या करता है कि आपको डर सा लगते रहता है, एंजाइटी डर घबराहट से घिरे हुए रहते हैं 24 घंटा। जब तक आप सोते हैं तभी भी विचार परेशान होते हैं, आपको करते रहते हैं, फिर भी जो है कि आपको क्या आपको लगने लगता है कि ये नेगेटिव फीलिंग जो है कि आपको परेशान करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली वे में जानेंगे आपकी नेगेटिव एहसास जो है कि उसको पॉजिटिव एहसास में कैसे चेंज किया जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले क्या होता है कि हम समझते हैं कि नेगेटिव एहसास क्या है और पॉजिटिव एहसास है क्या, दोनों को समझेंगे तब ना जो है कि हम पॉजिटिव एहसास में उसको चेंज कर पाएंगे। नेगेटिव एहसास मतलब क्या, जैसे कि आपको कुछ बुरा होने का संकेत आता है, जैसे कि गॉड को मन्नत का विचार आ गया, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान से आदेश, इससे क्या हो रहा है आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रहा है कि बुरा होने का संकेत आ रहा है कि मतलब भगवान नुकसान कर देंगे, बुरा कर देंगे। अगर इतना बार काउंट नहीं की, काउंटिंग OCD में 4 बार 5 बार काउंटिंग करके हाथ धो लो, नहीं धोए तो आपको गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये डर जो दिखा रहा है इसके वजह से आप कंपल्सन करते रहते हैं और इसकी वजह से चिंता डर घबराहट में आप फंसे रहते हैं गाइस। तो आप बात करते हैं कि ये वन नेगेटिव फीलिंग और जो है कि अब चाहते हैं पॉजिटिव फीलिंग क्या होता है, मतलब कुछ अच्छा होने का संकेत। जैसे एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करने में जो है कि क्या करता है वो, जब अपने रिजल्ट के बारे में सोचता है कि हम पास होंगे तो हमें जो है कि अच्छा नंबर आएगा तो परिवार में खुश होगा सभी जगह, इससे क्या होता है कि पॉजिटिव फीलिंग होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फीलिंग। तो अब बात करते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग को कैसे जनरेट किया जाएगा। अगर दोस्तों देखिए, एक तरीका बता रहे हैं जो इस तरीका को अगर अपनाएंगे तो आप जो है ना जल्दी से जो है निगेटिव फीलिंग को जो है कि आप अच्छे पॉजिटिव फीलिंग में चेंज कर पाएंगे। वो तरीका क्या है कि आप अपने ही विचारों को, जो विचार आपको डरा रहा है, चिंता घबराहट परेशानी में आपको फंसा रहा है, उसी विचार को क्या करना है कि आपको झूठा साबित करना है। अगर आप अपने जो विचारों को, जो विचार डर लग रहा है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जिससे कि घबराहट हो रहा है, उसी को अगर झूठा साबित कर देंगे तो आपके अंदर देखिए कितना अच्छा फीलिंग होगा। मतलब कि जहां डर लग रहा है, अगर भगवान को लेकर डर लगा, अगर भगवान का डर ही आपके अंदर से खत्म हो जाए तो विचार आएंगे लेकिन आपको अच्छा फील होगा और ये तो जो है कि विचार झूठा विचार है। तो जब आप अपने ही विचारों को, जिससे आप डर रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है आपको, ना ही कुछ होने वाला है, बस उसको झूठा साबित करना है, जैसे ही झूठा साबित करते जाएंगे वैसे ही आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, आपको पॉजिटिव फीलिंग की तरह जाएंगे। अब उसको निकलेंगे कैसे, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों को ही क्या करना होगा कि मतलब जो झूठा साबित करना होगा, उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए पहला स्टेप क्या है गाइस, कि आपको क्या करना है, जो भी विचार आ रहे हैं उसको क्या करना है कि आपको पहले ये समझना है कि ये मानसिक समस्याएं हुई है हमें जिनके कारण से विचार आ रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, आपको जो हुए विचार है, जो नेगेटिव विचार परेशान कर रहे हैं बार बार तरह का, जो ये डर लग रहा है, ये क्यों हो रही है, एक मानसिक समस्या है, जिनको कि आप मानसिक समस्या कहिए, OCD कहिए, डिप्रेशन कहिए, आपको हर एक तरह का अलग अलग लक्षण है, लेकिन जो है कि आपको क्या हुआ, डर जो लग रहा हुआ है एक बीमारी कारण से हो रहा है। तो ये चीज़ जो बोलना है, अब जो है एक चीज़ समझिएगा गाइस, यहाँ पर क्या करना होता है हमें जो है कि अगर हम जो है कि अपने तरफ से एफर्ट ना डालें तो नेगेटिव विचार अपने आप माइंड में आ जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ क्या करना है कि आपको एफर्ट लगाना होगा, कि आपको एफर्ट लगाना होगा कि नेगेटिव विचार को, मतलब नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में जो है झूठा डर को साबित करने में, डर को जो आपको डर दिखा रहा है उसको झूठा साबित करने के लिए आपको एफर्ट लगाना होगा। अगर अगर बात करें किसान की, अगर किसान अगर खेत में खेत परती छोड़ दे, मतलब खाली छोड़ दे, तो अपने आप दोबरी उग जाता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसी तरह से अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो जो है कि क्या होगा, अपने आप निगेटिव विचार आ जाएंगे। अगर किसान जो है कि मतलब उसमें हल चलाता है, उसमें पौधा लगाता है, तब उनको जो है कि मतलब जो है कि उनको मिलता है, जैसे धान लगाए तो धान का पौधा उपजेगा। तो उसी तरह से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एफर्ट डालना है कि ये झूठा विचार को
ये जो झूठा, ये जो विचार आपको सच लग रहे हैं उस विचार को झूठा साबित करना है, तब जाकर के क्या होगा, आपको एहसास आएगा अरे इस विचार से तो कुछ होता ही नहीं, झूठा विचार है। तब आपको क्या होगा, जहाँ नेगेटिव फीलिंग आता था वहाँ पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगा। अब झूठा साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। ये समझना होगा कि अपने विचारों को समझना होगा, अपना विचारों को कैसे समझेंगे कि ये जो डर वाले विचार आ रहे हैं ये हमें मानसिक समस्या हुई है, पहले अपने एक्सेप्ट कीजिए कि मानसिक समस्या जिनके कारण से हो रहा है। तो फिर क्या करना है कि वो उस विचार को बोलना है कि इसका इस बात का क्या प्रूफ है कि जो भगवान साथ दे देंगे, इस बात का क्या प्रूफ है, क्या भगवान के पास जो है मन्नत चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, क्या भगवान लेते हैं? भगवान तो लेते ही नहीं है, बस उसको जो है चढ़ा करके आप ही ले लेते हैं, या कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो वो या मंदिर में ही रह जाता है, भगवान के पास गया क्या, आप ही बताइए मुझे। तो मतलब क्या होता है, क्या प्रूफ है कि जो है कि भगवान से आदमी देंगे? तो फिर क्या पता चलेगा कि भगवान तो चाह करके भी हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस हम ही जो है कि मान रहे भगवान से आदमी देंगे इसीलिए जो है कि हमको लग रहा है। तो यही चीज़ जो है, अब चार बार हाथ नहीं धोए तो इससे गंदगी कैसे फैल जाएगी, इस बात का क्या प्रूफ है, हम झूठ में ही जो है अपने अपने विचारों के कारण से झूठा विचार को सच मान रहे हैं। इस तर्क दे दे करके अपने विचार को क्या कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। तो अपने विचारों से जो है कि जो झूठा आपको लग रहा है उसको जो है कि आपको जो आपको सच लग रहा है उसको झूठा साबित कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगा। तो इसके लिए एफर्ट लगाना होगा कि आपको क्या करना होगा, कि जो CBT का प्रैक्टिस होता है गाइज, तो इस प्रैक्टिस को जो है ना करना पड़ेगा, तब जा करके क्या होगा, आपको जो है कि मतलब जब इससे निकलेंगे इस बात का क्या प्रूफ है कि मतलब ये इसके बदले दूसरा भी हो सकता है कि भगवान तो हमारे के लिए, हमें जो है कि भगवान के बारे में कुछ गलत मान ली इसी कारण से हमें हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, क्योंकि गलत यहाँ ब्रेन में लग माना गया ना इसी कारण से जो गलत हो रहा है यहाँ पर आपको दुख हो रहा है। पॉजिटिव फीलिंग में लाने के लिए आपको क्या करना है कि उसके जो है कि जो जो भी चीज़ में डर लग रहा है आपको उसको झूठा साबित करने में जितना आप समय लगाते झूठा साबित करने में उसको उतना आपको पॉजिटिव फीलिंग होने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग धीरे धीरे आप जहाँ डर रहे हैं ना वहीं पर आपको आगे चल के खुशी लगेगी। जैसे हमें भी जैसे गॉड को लेकर तरह तरह का नेगेटिव विचार इमेज सब आते थे और उसकी वजह से डर लगने लगता था, लेकिन आज क्या होता है डाउट कभी कभी आते हैं लेकिन हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि पता है कि ये मानसिक समस्या, ये झूठा विचार है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि आपको क्या होता है कि इस डर खत्म हो जाता है, डर जिस दिन से आपके अंदर से खत्म हो गया ना उस दिन से आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगा। ये विचार आएंगे, विचार देख के आपको हंसी आएगा, ये मानसिक समस्या उसी भी बीमारी के कारण से होने लगेगा। इसके लिए सीखना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि आपको डर को झूठा करने के झूठा साबित करने के लिए जो आपको सच लग रहा है लेकिन वो सच है नहीं, बस उसको झूठा साबित करने आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है ना किसी चीज़ को बार बार करते हैं तब उसको सच मानता है। आप झूठा बार बार माने हुए तो अभी आपका ब्रेन उसको झूठा मानने झूठा को सही मानने लगा है, मतलब आपको डराने लगा जो कि झूठा चीज़ है, जो कि जो भी चीज़ आपको डर परेशान कर रहा है वो झूठा डर आपको परेशान कर रहा है। तो उसी तरह से क्या हो रहा है मानसिक समस्या में जो है कि आपको जो है कि जो भी विचार आपको जो सच लग रहा है जो जो कि है झूठा लेकिन आपको सच लग रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है झूठा साबित करने का, तब आपके अंदर क्या होगा, जैसे 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 झूठा साबित आप करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप जो जो काम करते हैं उस काम में भी धीरे धीरे मन लगने लगेगा, और आप देखेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव फीलिंग तरह से आप अपने से निकल पाएंगे गाइस, अपने से करने लगेंगे, अपने जब ये झूठा साबित करने लगेंगे तो जल्दी आप इससे बाहर निकल जाएंगे। अगर ये सब काम अपने से कर लेते तो बहुत बढ़िया बात हो, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमसे काउंसलिंग लेकर के बात करके समझ करके इससे बाहर निकल सकते हैं गाइस। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, विश यू वेल, टू बी हैप्पी।